मुद्दे जाहिर हैं जो हो रहा है सरकार द्वारा, जो हो रहा है प्रशासन द्वारा, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह देखिए, इस मंच से और कई मंच से इतनी बातें हो रही है, अब इससे बड़ी बात क्या होगी। एक जनयुद्धारी भी आपके साथ है, अब इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और इस जनयु को काट दीजिए या जो कीजिए, इससे मतलब नहीं है। हमारा प्रेम आपके साथ है, हम आपके साथ। जय 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 भीम, जय बिरसा, जय भीम, जय फूले, जय भीम। तो बिल्कुल मैं अलग नहीं हूं, हम आप ही के साथ रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कौशल्या जी हमारे कॉलेज से हैं, इनको पता है। और जहां तक इस लड़ाई को देने की शक्ति होती है, मैं एकेडमी काउंसिल में दे चुका हूं, क्योंकि हमारे साथ हमेशा सागर जी बैठते थे। जब उनसे पूछिए आप, जब जब कहा कि नहीं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये जो एससी एसटी ओबीसी बच्चों का जो एडमिशन था, ये आप कहे तो हम लोगों की देन है। इतनी मुश्किल हालात में बच्चे तरसते थे, यहां तड़पते थे, उनसे उनकी चिंताओं को हमें देखा ना गया, और हम लोगों ने उठाया इस बात को, और कॉलेजों को आज ये मिली है ताकत कि वो अपने बल पे एससी एसटी ओबीसी छात्रों का नामांकन कर सके, जो हम लोग कर रहे हैं। अब मैं आई है बहुत सारे मुद्दे, लेकिन असली मुद्दा तो अभी यही है, इसलिए मंच पे है हम। और किसी बात पे मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि 2 मिनट का वक्त दिया है कौशल्या जी ने। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हो रहा है, किस तंत्र के अंदर हो रहा है, ये आप सब समझ रहे हैं। आरक्षण की नीति के बारे में सरकार की क्या सोच है, क्या मानस पटल में चल रहा है, ये आप 4 सालों से भी देख रहे हैं। कभी संघ परिवार द्वारा कुछ वक्तव्य, कभी उनके द्वारा जीते गए लोगों का कुछ वक्तव्य, उन वक्तव्यों पर कैसे भरोसा करेंगे आप, जब वो जो चीजों को लेकर चुनाव में जीत के आए, उसका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो मैं ये कैसे उनसे करूं, कैसे विश्वास करूं कि वो इस बात को होने देंगे। आरक्षण के लिए उनकी सोच, जो संवैधानिक अधिकार है, हम सब एक है, संवैधानिक अधिकार मांगने के लिए हम आए। यहां कोई एससी एसटी ओबीसी कह के कोई नहीं, हम सब शिक्षक है। संविधान के तहत जो प्रावधान हुए, जो न्यायालय के द्वारा प्रावधान किए गए, उस प्रावधान को हम समुचित लागू रहने की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हम यहां खड़े हैं। क्योंकि हमें दिख रहा है कि अहित हो रहा है, यह न्यायालय के निर्णय को अलावा उच्च न्यायालय के निर्णय को अगर देख भी ले, उनको परख भी ले, और उनको कई लोगों ने, ड्यूटा के लोगों ने भी और भी कई लोगों ने भी उनको सही धरातल पे उतारा है, उसे हमारे जरूर जो आरक्षित वर्ग के साथी है उनको बिल्कुल ही नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को हम नहीं झेल पाएंगे, हम नहीं सहेंगे। हम इस मुहिम में पूरी तरह हम आपके साथ हैं, और जितनी लड़ाई आप लड़े हैं, अब मैं भी आ गया हूं मंच पे आपके, खुले दिल से मैं आपका साथ देने के लिए आया हूं, और हमारा दल भी साथ देगा, हम लोग साथ देंगे, और वो दे देंगे। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं आपके साथ हूं, और मैंने पहले ही बता दिया, आप ऐसी बातें ना करें, और कर रहे हैं तो ठीक भी कर रहे हैं कि जनेधारी को जगा रहे हैं कि भाई आ जा, नहीं तो तेरा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। और ये बात सही है, बिल्कुल उनका अस्तित्व नहीं है आपके बिना, और हमारा भी अस्तित्व आपके बिना नहीं है, इसलिए हम आपके बीच के हैं। और मैं बिल्कुल आगाह करूंगा सरकार को आगाह करता हूं कि अगर आप नहीं करेंगे ये चीज, तो समझ जाइए 50% क्या खेल दिखाने वाला है आपको, वो खेल आप देखेंगे। अगले बार चुनाव हो या कोई भी चीज हो, हम दिखा के रहेंगे। जय भीम, जय भीम।